हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अश्विन कुमार और आप देख रहे हो अपना यूट्यूब चैनल स्मिथ M20। तो दोस्तों, आज मैं बताऊंगा कि रिमेडियल स्टूडेंट के इंटरनल मार्क्स शो होना शुरू हो गया है, तो वो अपने रिजल्ट किस तरीके से देख पाएंगे। स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस दूंगा आपको, ठीक है दोस्तों। तो उसके लिए सबसे पहले आपको खोलना आपके मोबाइल फ़ोन में गूगल गूगल क्रोम में आपको सर्च मारना होगा GTU मिड मार्क्स। जैसे ही लिखेंगे दोस्तों, तो आपका जो फर्स्ट इंटरफेस खुलेगा यानी कि फर्स्ट लिंक, उस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करिएगा दोस्तों, आपका आएगा एंटर योर एनरोलमेंट नंबर, वो आप अपने अनुसार आपका डाल देना, ठीक है। मैं एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ बता रहा हूँ आपको। तो जैसे कि देख पाओगे दोस्तों कि आपका यहाँ पर रिज़ल्ट खुल जाएगा, ठीक है। तो ये रिज़ल्ट दोस्तों ये सेमेस्टर सिक्स का है, ऊपर से देखा जाए ना तो सेमेस्टर सिक्स का रहेगा, यानी कि यहाँ पर आप जिस सेमेस्टर के हो वो सबसे पहले लेटेस्ट रिजल्ट शो होगा उसका, ठीक है। फिर आपका नीचे में दिया रहेगा किस सेमेस्टर में आपको मास प्रमोशन दिया गया, यानी कि उसके बेसिस पे आपका रिमेडियल का मार्क्स दिया गया है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होगे स्ट्रक्चरल एनालिसिस 2 जो कि सेमेस्टर 5 का सब्जेक्ट है, और स्ट्रक्चरल एनालिसिस 1 जो कि सेमेस्टर 4 का सब्जेक्ट है। यहाँ पर इनको रिमेडियल में क्या दे दिया गया, यानी कि 12-12 दे के पास कर दिया गया दोस्तों। तो ये लॉकडाउन के अंदर में और COVID-19 सिचुएशन के कारण इंटरनल तो कुछ असेसमेंट कर नहीं पाए, पर इनका पीछे का देखा जाए तो ओवरऑल अच्छा था। इसके बेसिस पे इनको क्या किया दोस्तों, 12 दे दिया गया, ठीक है। और दूसरा, मैं इसका एग्जांपल के लिए और भी दूसरा मैं बताऊँ आपको दोस्तों कि किस तरीके से हुआ है दूसरा रिज़ल्ट भी, तो देख पाएंगे आप। तो आप देख पाएंगे दोस्तों कि यहाँ पे ये भी है सेमेस्टर सिक्स का रिज़ल्ट, यानी कि एक सेमेस्टर सिक्स का स्टूडेंट है, और यहाँ पे इनका भी यही सेम प्रॉब्लम है दोस्तों कि सेमेस्टर फाइव में इनको स्ट्रक्चरल एनालिसिस में दिया गया है 12, स्ट्रक्चरल एनालिसिस 2 और स्ट्रक्चरल एनालिसिस 1 जो कि सेमेस्टर 4 का है। तो आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, इनको इंटरनल मार्क्स दे दिया गया है, यानी कि अब ये हो रहा है कि इंटरनल मार्क्स आपका शो हो रहा है। आप अपने रेस्पेक्टिव सेमेस्टर में जहाँ हैं वहाँ का आपको पहले दिखेगा, उसके बाद आपके प्रीवियस का दिखेगा, और वहाँ पे आपको इंटरनल मार्क्स में कुछ ना कुछ दिखेगा। अगर आपका 12 से कम दिखता है दोस्तों, तो इसका मतलब है कि आप फेल हैं। अगर एटलीस्ट 12 दिख जाता है तो आपको क्या है, इंटरनल में पास कर दिया गया है। और MP का मतलब है मास प्रमोशन, ठीक है। उसके बेसिस पे आपका रिज़ल्ट आगे शो होना स्टार्ट होगा, ठीक है। यानी कि अभी वो फाइनल रिज़ल्ट तो नहीं है, ये सिर्फ इंटरनल रिज़ल्ट है, ठीक है दोस्तों। फाइनल रिजल्ट के लिए आपको वेट करना होगा। तो ओके, थैंक यू गाइस, आशा करता हूँ चीज़ें आपको समझ आया होगा। अगर आया है तो आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर लें, ताकि आपको ऐसी अपडेट आगे भी मिलते रहेगी।